तो गाइस आज मैं आप लोगों को हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की ज़ियारत कराऊंगा और इसके साथ साथ आपको बताऊंगा किस टाइम पे आप ज़ियारत करने जा सकते हो और इसके साथ साथ बताऊंगा आप लोग रियाजुल जन्ना जहाँ पे जन्नत का टुकड़ा है वहाँ पे आप नमाज़ पढ़ने के लिए किस तरीके से परमिट ले सकते हो और ये परमिट कहाँ से मिलेगा। तो चलो चलते हैं, जानकारी करते हैं और आपको बताते हैं, पूरा वीडियो कंटिन्यू देखना ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आए। जैसे वहाँ पर जमजम मिलता है हजरत, यहाँ पे ये कौन सा पानी है? मामला ऐसा था कि एक वक्त जो है एक रोटी खा ले तो उनके जो है दूसरी रोटी खाने का कोई इंतजाम नहीं हुआ करता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त मिस्टर खान यूट्यूबर। तो फाइनली आज का ब्लॉग मेरा ये कि आज मैं आ चुका हूँ मदीना शरीफ में और मदीना शरीफ में हम लोग जा रहे हैं मस्जिद नबवी और माशाल्लाह आज मस्जिद नबवी के बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे, ज़ियारत करेंगे और वहाँ के बारे में थोड़ी हिस्ट्री बताएंगे और मस्जिद बिलाल की ज़ियारत कराएंगे और हो सकता है तो यहाँ पे क्या बोलते कब्रिस्तान एक बहुत ज़्यादा जन्नतुल बकी वहाँ के भी बहुत खूबसूरत वाक्य वो भी आपको बताएंगे जन्नतुल बकी के बारे में। चलते हैं और आपको बताएंगे। तो ये देखिए हम लोग मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में ये जो मस्जिद इतनी खूबसूरत दिख रही तो हजरत से जानकारी लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम हजरत। जी मैं ये देख रहा हूँ ये मस्जिद बड़ी खूबसूरत बनी है, कहा जाता है मस्जिद बिलाल क्यों कहते हैं इसे? यहाँ पर एक वक्त जो है हजरत बिलाल ने खुतबा दिया था तो हर जगह पे इसी अबू बकर मस्जिद है, एक जगह जो है मस्जिद उमर है जी, तो ये अलग अलग जगहों पे उन्होंने जो है खुतबा दिया था जी जमाने के साथ, तो उस हिसाब से जो है उनका मकामात को जो मस्जिदें बनाई गई सारी जो मस्जिद है इसी हिसाब से बनाई गई। अच्छा, तो माशाल्लाह जो मकामात है उनमें मस्जिद तामीर कर दी गई, लोग याद भी करे और नमाज भी पढ़े। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए पूरी बस होती है, यहाँ पर भी बस आपको होटल के पास छोड़ती है, आकर के देखिए और आप अपनी बस से होटल आ सकते हो। और यहाँ पे जितनी भी होटल है तकरीबन हजरत यहाँ की जितनी भी होटल है तकरीबन मतलब होटल ये पास में ही है, मतलब दूर नहीं है। यहाँ पे दूर भी रहती है, हमारी होटल जो है माशाल्लाह बहुत नज़दीक में है। हाँ, यहाँ से 300 मीटर पे है, होटल से निकल के आप 2 से 5 मिनट में जो है हरम में पहुँच जाते हो। अच्छा जी, तो जैसे कोई होटल दूर है तो वो बस सर्विस देते हैं क्या? बस सर्विस नहीं मिलती मस्जिद इधर पे मदीना शरीफ में, यहाँ पे हम लोग जो है नज़दीक में ही होटल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो भी होटल है हाँ, उससे हम लोग जो है 303 नंबर गेट पे पहुँचते हैं। हाँ, यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री पर जो है जो तुर्कों ने जो मीनार बनाया था जिसके अच्छा हरा जो पत्थर लगे हुए वो मीनार जो सामने दिखता है गुम्बद जो है बिल्कुल नज़दीक में। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो तुर्की मीनार भी दिखाएगी हम आपको, सामने आपको देख सकते हैं सामने जो तुर्की मीनार देख सकते माशाल्लाह लगा हुआ है। चलिए देखते हैं पास से, नीचे जो है लकड़ी का गुंबद है वो सब पता होगा, उन्होंने पूछना कि कब बनाया था, हिस्ट्री कुछ उसकी इतना क्लियर नहीं है, लोगों ने ना उस हिस्ट्री को छुपा दिया। देखिए यहाँ पर ये मस्जिद बिलाल के सामने भी यहाँ पे कई लोग आते कबूतर को दाना डालते हैं माशाल्लाह। यहाँ पे देखिए कितना रियाल, 5 रियाल दिस 5 रियाल, ओके सब 5 रियाल का बेच रहा है। देखिए मस्जिद बिलाल के सामने आए कबूतर को दाना जरूर डाल के जाए। ठीक है, शुक्रन। एक चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी, यहाँ पर मदीना शरीफ में एक भी ट्रैफिक नहीं लगता है, मतलब ट्रैफिक का बहुत अच्छा इंतजाम है। जान भाई एक चीज़ बताइए, मैं देख रहा हूँ यहाँ की जो होटल हैं जितनी भी ये सब एक साइज में बनी हुई है, ऐसा क्यों? यहाँ पे रूल है ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं बना। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं बनती है। अच्छा, ये मस्जिद देख रहा हूँ मैं किन की है? अच्छा, मेन मेन जो रहेंगी उन पे वो। अच्छा 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 माशाल्लाह। देखिए हमारी होटल के जस्ट सामने ही जो रास्ता जाता है और ये सामने वाले रास्ते में ही आपको सामने जो तुर्की का मीनार है वो आपको तुर्की का मीनार दिख जाएगा माशाल्लाह, और जो गुम्बद शरीफ है हरम शरीफ का वो भी दिखने लग जाएगा। अभी थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर गुम्बद शरीफ दिखेगा और मंजर देखिए कितना खूबसूरत है। अभी दिन के बज रहे हैं 3 और 3 बजे में इतना खूबसूरत मंजर है तो शाम को सोचो क्या होगा, शाम का क्या आलम होगा माशाल्लाह। यहाँ की सारी बिल्डिंग है जो जाता रहे छप एक ही लेवल में बनी हुई है। देखिए ये सऊदी के फ्लैग लगे हुए देख सकते हो सारे, और ये सामने देखिए नए डिज़ाइन के साथ साथ नए कल्चर के साथ साथ ओल्ड कल्चर को भी रखा है इन्होंने। देखिए यहाँ पर ये जो आप खिड़कियाँ देख रहे हैं ये खिड़कियाँ इनकी ओल्ड खिड़कियाँ हैं, जो कि पहले के घर जो अरबी लोग रहते थे उनके घरों की खिड़कियाँ हैं, इस तरीके से घरों पर रहते थे वो।
अपनी जैन वालों में नया कल्चर उभारा है, पुराना कल्चर भी है, दोनों एक साथ मिक्स कर दिया ना जनाब, नया और पुराना दोनों मिक्स करा इन्होंने माशाल्लाह। और खेमा ऐसे ही बना के रहते थे, खेमा भी दिख लो आप, पहले ज़माने में ऐसे ही खेमा बना के रहते थे वो लोग, अरबी लोग। ये देखिए पूरा खूबसूरत एरिया है माशाल्लाह, आप देखते हो जाएंगे ये मंजर तो बहुत आँखों को सुकून मिलेगा माशाल्लाह। अफ्तारी के लिए खेमा है ना, अच्छा अफ्तारी का खेमा है क्या ये? अरे वाह वाह माशाल्लाह, चलिए अफ्तारी भी वैसे चाय यहाँ करेंगे, नहीं तो फिर वहीं वहीं करेंगे हम तो, मेन तो शाम को करेंगे, शाम का मंजर भी दिखाएंगे, अभी तो दिन का मंजर आप लोगों को दिखा रहे हैं। ज़्यादातर आराम भी करते हैं? अच्छा, मतलब जितने भी हाजी रमज़ान के टाइम ज़्यादातर आते हैं वो सारे अफ्तारी मदीने में ही करते हैं, मदीने में ही करते हैं माशाल्लाह, मदीने में हरम शरीफ में है ना। देखिए इन्होंने ये भी कल्चर उभारा, देखिए ये बहुत पुराना खूबसूरत कल्चर है माशाल्लाह। हम लोग मस्जिद हरम के पास जैसे जैसे करीब पहुंच रहे हैं ना, मतलब जैसे जैसे करीब पहुंच रहे हैं ना मस्जिद के सामने, माशाल्लाह हमारा दिल बाग बाग होता जा रहा है, मतलब दिल में एक्साइटेडपन होती जा रही है माशाल्लाह, आँखों को नम मिल रही है, मतलब देखने की चाहत बढ़ती जा रही है। इतना खुश नसीब वाला हूँ ना मैं कि सबसे प्यारा महीना रमज़ान का महीना मुझे मिला और ये मुकद्दस पाक जगह की मुझे ज़रूरत नसीब हो रही है माशाल्लाह। मैं बहुत खुश मिजाज हूँ और शुक्रगुजार भी हूँ, मैंने कई बार वीडियो में जिक्र करा है और अभी भी जिक्र कर रहा हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे क्या बोलते हैं कादिर इंटरप्राइजेज जो टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं, उन्होंने मेरे को एमरजेंसी में टिकट बनवाई और टिकट बनवा के मेरे को यहाँ भेजा है माशाल्लाह। ये देखिए टिकट मिल नहीं रही थी कहीं पर भी, इमरजेंसी में इन्होंने टिकट करके मेरे को यहाँ पे भेजा है करवा के माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कादिर इंटरप्राइजेस करती है। मैं कहूँगा कि मैं स्क्रीन पे नंबर दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन पे नंबर दूँगा, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट करें और इनके थ्रू आप ज़रूरत कर सकते हैं माशाल्लाह। चलिए अब अंदर चलते हैं और आपको ज़रूरत कराते हैं और देखते हैं माहौल माशाल्लाह। देखिए चार नंबर गेट है शायद ये, हम लोग चार नंबर गेट पर दाखिल हो रहे हैं माशाल्लाह। चार नंबर गेट है क्या लिखा है? चार लिखा है, चार नंबर गेट है ये? अच्छा अच्छा, तो ये गेट गेट कितना नंबर गेट है ये? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, चलिए गेट नंबर वहीं जाके पता करते हैं। और यहाँ सुबह सुबह टैक्सी ताकि पब्लिक को समझ में आए, ये गेट नंबर हमको देख के हमेशा बाहर निकलना है। अरे वाह वाह, देखिए सुभान अल्लाह मस्जिद का गुम्बद नजर आने लग गया माशाल्लाह। देखिए ये जो हरा गुम्बद है ये मस्जिद है, इसके अंदर तो मजार शरीफ है, मतलब मजार है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अबू बकर और हजरत उमर तीनों की मजार। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि 302 नंबर गेट है ये। अच्छा 303 दोनों जगह। अरे वाह माशाल्लाह, अभी पूरा पास से जाके डिटेल देते हैं, अभी तो थोड़ा बहुत ही बताया। यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी कि गर्मी होती शदीद है ना, इस वजह से ये छतरी का निजाम रखा गया है, बड़ा खूबसूरत छतरी बनाया हुआ है, पानी भी फवार पानी भी फवार। अच्छा अच्छा, इस छतरी और ये बंद भी कर देते हैं, इसको बंद करने का भी सिस्टम है ना। देखिए छतरी आए, देखिए बंद होती तो कुछ इस तरीके से मीनार को निखारते हुए बड़ा खूबसूरत बंद होता है, और जब खोलती तो कुछ इस तरीके से खोलती है सुभान अल्लाह। और ठंडक रखने के लिए पानी के फवारे भी पड़ते हैं ना माशाल्लाह। ये देखिए आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यही तो तरसते हैं लोग हरा गुम्बद देखने के लिए, ज़ियारत करने के लिए। और हम लोग दिन में आए, हाँ लोग जा रहे हैं ना जो इस तरह से, हाँ ये अंदर रोजे रसूल पे जाने हम लोग इंशाल्लाह अभी पहले सबसे पहले रोजे रसूल की ज़ियारत कर लेते हैं। अच्छा तो ये सबसे पहले अभी अंदर हम लोग चलते हैं, तो यहाँ से लाइन लगा करके रोजे रसूल की जरूरत करते हैं। देखिए लाइन लगा करके यहाँ पे माशाल्लाह सारे लोग जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग भी लाइन लगा के जाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह, यहाँ पे दो गुम्बद है, अभी पूरी जानकारी देंगे आपको बताएंगे आने के बाद, पहले जरूरत करेंगे फिर आके बताएंगे सारी चीज़ें। यहाँ जैसे देख रहे हो एक छोटा गुम्बद है, बड़ा गुम्बद है, दो गुम्बद है यहाँ, एक मिंबर के ऊपर बनाया हुआ है और एक मज़ार के ऊपर। अच्छा,
और अंदर मतलब दो तुर्बत है, तीन है। किन किन की है? दो साहिबा इकराम है उसमें और एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद की मज़ार है जी, और एक अबू बकर सिद्दीक और एक हसन उमर की जी मज़ार है। माशाल्लाह। तो देख सकते हो यहाँ पे दो गुम्बद एक साथ कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, यहाँ पे रौनक ही रौनक। जी बताइए। सलाम है अंदर जो है रोजे की हाजिरी के लिए जाते हैं माशाल्लाह। बाबू सलाम जो है हम इंशाल्लाह हाजिरी देंगे। अच्छा, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाना पड़ता है। अच्छा देखिए, बहुत सारे मेंबर साइड में हैं, अभी हम लोग मेंबर भी दिखाएंगे। ये खूबसूरत डिज़ाइन देख सकते हो आप। और सामने आप जो जालियां देख रहे हैं माशाल्लाह, इन्हीं जालियों के अंदर ये जो हरी जालियां आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो गेट बने हुए दरवाजे टाइप के आप देख सकते हैं, यहीं पर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। यहीं पे तीन सहाबा इकराम के भी रोज़ा मुबारक अंदर बताए जाते हैं। और माशाल्लाह जो भी ज़ायरीन, तो यहाँ पे ये जाली मुबारक को आप देख सकते हो, जितने भी ज़ायरीन आए हुए हैं वो अपने हाथों से पकड़ के माशाल्लाह दुआ मांगते हैं, और कई लोग तो दूर से ही खड़े होकर के हाथ का इशारा करके सलाम पेश करते हैं और दुआ मांगते हैं अपने लोगों के लिए। तो देखिए कितना खूबसूरत मंजर है, और मैं भी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर जितने भी लोगों ने दुआ के लिए कहा है मुझे, मैं सब के लिए दुआ करता हूँ कि उनके सब की दिली मुरादें पूरी हो, सब लोगों को रोज़ा रसूलुल्लाह की हिजरत नसीब हो, सब लोगों को उमरा की मैं इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि सबका उमरा हो, उमरा करने की तौफीक अता करे अल्लाह ताला। तो देखिए कितना खूबसूरत मंजर है। बस बदले में मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, क्योंकि मैं देखता हूँ आप मेरी वीडियो तो पूरा देखते हो और काफ़ी करोड़ों में मिलियंस में देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और रोज़े रसूलुल्लाह की ज़िरत करने का सिर्फ आपको भी हासिल हो, मैं ये आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ माशाल्लाह। देखिए कितना खूबसूरत मंजर है, और उस साइड से अगर आप जाओगे जिसका लिए टिकट अलग से लगता है, टिकट क्या लगता है मतलब एक टाइमिंग परमिशन लगती है, परमिशन आपको लेना पड़ेगा, ऑनलाइन परमिशन लेना पड़ता है। और फिर रियाजू जन्ना यानी जन्नत का एक टुकड़ा है रोज़े रसूलुल्लाह के, और रोज़े रसूलुल्लाह के पास में और मिंबर रसूल के पास में बीच में ही एक जन्नत का ऐसा टुकड़ा है जिस पे लोग दो रकात नमाज अगर आप पढ़ते हैं तो माशाल्लाह कहा जाता है कि आप जन्नत पे नमाज पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर जाने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा, पर परमिशन अगर आपको लेना तो 4 से 5 दिन पहले ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं लेट हो गया था तो मेरे को परमिशन मिली नहीं थी ऐप के थ्रू, क्योंकि वो 4-5 दिन का लेट बता रहा था, पर मुझे जल्दी से जल्दी ज़रूरत करनी थी तो मैंने एक वहाँ पे ऑडियंस था, गाइड था, उससे मैंने बोला, उसने माशाल्लाह मेरे को ज़रूरत करवा दी, उसने मेरे को परमिशन दिलवा दी। अब हम लोग बाहर आ चुके हैं और बाकी जानकारी अब हजरत से जानकारी करके आपको बताते हैं माशाल्लाह। हम लोग ज़रूरत करके बाहर आ चुके हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत प्यारा मंजर था। और एक चीज़ बता दूं कि आपको मदीने शरीफ में भी जमजम का पानी पीने को मिलेगा माशाल्लाह। यहाँ पर क्या होता है, पाइपलाइन के थ्रू तो नहीं आ रहा है, पर जमजम के कुआं का पानी यहाँ पे टैंकरों में भर भर के लाया जाता है,
बड़ा बड़ा टैंक आते हैं यहाँ पे और जमजम का पानी ला के यहाँ पे देते हैं माशाल्लाह पीने को। तो यहाँ पर भी आए पानी पी के शिफा आया था। ये जो लाइनें जो दिख रही है ना ये, हाँ, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है कि हम लोग रियाजुल जन्ना में कैसे एंट्री करें। हाँ, तो नुसुक ऐप होता है। हाँ, नुसुक ऐप में आपको जो है पर्सनल डिटेल्स जो होती है वो पूछता है, वो हिसाब से और डिटेल्स डालनी होती है, वीजा वगैरह, वीजा और पासपोर्ट नंबर वगैरह डालना होता है। हाँ, वो पासपोर्ट डालने के बाद में वो ऐप में जो है हमको परमिशन मिलती है जी। परमिशन मिलने के बाद में आपको जो टाइम देगा वो यहाँ पे जो है लाइन, वो जो लाइन लगी लंबी वाली, ये जो यहाँ पे जो हरे बैरिकेड अभी बंद किया हुआ है नमाज के वक्त में, बंद किया हुआ है। यहाँ से जो है एंट्री होती है, यहाँ से एंट्री होती है जो वहाँ से सामने उस तरफ जो है, सामने आप देखोगे उस तरफ 37 लिखा ना, वहाँ पे सबको जमा करते हैं, उस दिन उधर रखते हैं, फिर बाद में अंदर जैसी खाली होगा तो अंदर जो है ना वहाँ से छोड़ा जाता है, वो बाबे जिब्रील से अंदर छोड़ा जाता है जी। बाबे जिब्रील यानी कि जहाँ से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है जिस तरफ से जो है हुजूर के हुजरे मुबारक में आपसे मुलाकात करने जाते थे जी, उस तरफ का जो इलाका है उसको जो है बाबे जिब्रील कहा जाता है जी। वो बाबे जिब्रील बनाया गया है जी। वहाँ से एंट्री करने के बाद में जो है आपको पहले रोजे का रोजा दिखेगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जी। उसमें लेफ्ट साइड में जगह है कुछ, वहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो राइट साइड में दरवाजे दिखेंगे। सबसे पहले हजरत फातिमा का हुजरे का दरवाजे दिखेगा जी। वहाँ से एंटर होता है मजारत नगर जब कोई जाता है जी। जैसे कि जो रॉयल फैमिली वाले जो है जी, वो लोग अंदर जाने को उन लोगों को मिलता है या फिर जिसको परमिशन दे उनको मिलता है जी। तो हजरत फातिमा के हुजरे का जो है दरवाजा है, वहाँ से अंदर जाने के बाद में जो जिस जगह पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दो सहाबा जो है उधर पे आराम कर रहे हैं आज, तो वो जो है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा मुबारक है जी, उसमें आराम कर रहे हैं। हजरत आयशा और हजरत फातिमा दोनों का जो है हुजरा मुबारक बाजू बाजू में था जी। अब उसको जो है पूरा एक करके जो है और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना दिया गया है जी। और उसी में जो है मज़ारात है तीनों की जी। और उसके अलावा फिर उससे और आगे जाएंगे लेफ्ट साइड में जो है वो जगह है एक आराम इबादत करने की, उसको भी बंद कर दिया गया। आगे जाएंगे आप तो आपको असाबे सूफा का चबूतरा मिलेगा जी। असाबे सूफा का चबूतरा मिलेगा, वहाँ पर जो है असाबे सूफा जो थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है कुछ मुकर्रर करदा सहाबा इकराम थे जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इल्मे बातिन अता किया जगह पर जो है, और उनके मामला बहुत सारे हैं। फरमाया जाता है कि असाबे सूफा का मामला ऐसा था कि एक वक्त जो है एक रोटी खा ले तो उनके जो है दूसरी रोटी खाने का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ करता था, और बहुत ही जो गरीब जो साफा सूफा ये जो थे साहबा इकरा वो उनमें शुमार थे। उनका मामला ऐसा था कि वो अगर खड़े हो जाते तो उनके जो है घुटने जो है उनके कपड़े, उनके पास इतने कपड़े नहीं थे कि जो है पूरी तरह से ढक सके जी। इस तरह के मामला थे वो जो असाबे सूफा थे वो बहुत ही जो है अल्हम्दुलिल्लाह रसूल सल्लम ने जो उनको बहुत इल्म अता किया इल्मे बातिन, वो असाबे सूफा का चबूतरा मिलता है आपको। उसके बाद में फिर आप आगे जाओगे लेफ्ट में जो है रियाजुल जन्ना है, यानी कि रियाजुल जन्ना जो है उसको कहते हैं जन्नत की क्यारी जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे हुजरे से लेके मेरे मिंबर तक जो रास्ता है जो जगह है उसको जन्नत की क्यारी है, वो इसको जो है रियाजुल जन्ना कहा जाता है जी। उसको रियाजुल जन्ना है वो, यानी कि जन्नत की क्यारी है। उसमें जो दो रकात नमाज पढ़ना, यानी जो है गोया ऐसा है कि जैसे जन्नत में आप नमाज पढ़ें माशाल्लाह माशाल्लाह, वो जो है आपको परमिट जो है निकलता है, उसके बाद में आपको जो रियाजुल जन्ना में दो रकात नमाज अदा करने का मौका मिलता है जी। तो वो जगह पे इंशाल्लाह ताला जब परमिशन जैसा मिलेगा तो आप वो लोग जो है जाके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और बोलिए। उसके अलावा दीगर चीज़ें भी है, जैसे कि हमारे जहाँ पे बाबे सलाम है, बाबे रहमत है, बाबे रहमत तो बंद कर दिया गया, बाबे सलाम से जो है अंदर जो आप रोजे की जो सुनहरी जाली देखते जी उसके लिए अंदर जाने के लिए रास्ता है। तो वो कब खुलेगा सुनहरी जाली का रास्ता? सुनहरी जाली का जैसे भी हम लोग जाके आए जिस तरह जियारत करके आए, वो बाबू सलाम था, वो जो है बाबे बकी से बाहर निकलते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो है ये जन्नतुल बकी है, इधर बाजू में कब्रिस्तान, ये जो सामने दीवार दिख रही है जन्नतुल बकी है जी, वहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। अभी वो खुलेगा तो दिखेगा, असर के बाद खुलता है, दो वक्त थे उसमें जी, हमको मौका मिला था उधर भी जाके देखेंगे। वहाँ पे जो पिलरों पे ना जो तुर्की जो मीनार, तुर्की जो कंस्ट्रक्शन है ना, तुर्कों ने जो मस्जिद बनाई हुई है जो ओरिजिनल मस्जिद आप देखेंगे तो उसके अंदर ही सारे के ना उधर पे मकामात का लिखा हुआ है उधर पे कम्बे पे, और जो ओरिजिनल मस्जिद है तो उन्होंने जो पहली जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बनवाई थी उसके भी जो है ना वो हरे हरे कलर के ना उसमें लिखे हुए हैं, हरे कलर के जो पीला हरा जो है वो तो मस्जिद का हिस्सा है ना, मस्जिद का हिस्सा है, मतलब उनके रोजे से लेके मिंबर तक का उसको जो है मस्जिद का, ये जो मतलब ये हमाम है वजू वगैरह करने का। अच्छा अच्छा ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या बताया किन के घर थे यहाँ पर?
सारे साहबा इकराम के जो है ना घर अंदर ही इसमें ही है। हाँ। असल मस्जिद है जो असल मदीने जो शरीफ मदीना शरीफ जो शहर जो कहा जाता है। हाँ। तो ये पूरा मस्जिद के अंदर ही है। अच्छा। हाँ, उसको ही पूरा जो है मस्जिद बना दी गई है। अच्छा। इसके अंदर बाकी मेन यही शहर है और जो है सऊदियों ने घर बनाया, ये तुर्को ने बनाया हुआ मीनार है। उनकी जो तामीर है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये सब आप जो हिस्सा जो गुम्बद का दिख रहा है ना, जो गुम्बद का तरफ का वो जो जैसे आप देखोगे ना, आप अंदर जिन कम्बों पे पेंट मारा गया है ना, वो तुर्कों ने बनी हुई मस्जिद है। वो जिसपे पेंट देखोगे आप, जो कम्बों पे पेंट लगा हुआ है और उसके ऊपर जो है ना डिजाइन भी बनी हुई हरी कलर की, हरा कलर मारा हुआ है, वो सब जो है ना उस तुर्कों का बनाया हुआ है वो सारा कंस्ट्रक्शन। गुम्बद भी जो है ये सब जो सिल्वर गुम्बद ये सब जो ये तुर्कों ने ही बनाया हुआ है। उस्मानी सुल्तान ने जो है गुम्बद शरीफ जो है वो उसको बनाया है हरे पत्थर से, और उसको वो भी बनाया है, मीनार भी बनाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरा पूरा उस्मानी दौर में तामीर हुआ है ये। इसमें बाकी जो ये पीछे का जो हिस्सा देख रहे हैं बड़ा वाला, हाँ, वो जो है सऊदियों ने बनाया हुआ है। तो गाइस मान लिया मेरा पार्ट टू आगा, पार्ट टू के अंदर मैं आपको बताऊंगा मस्जिद नगवी के अंदर का माहौल, और माशाल्लाह आपको दिखाऊंगा किस तरीके से पुराने दौर की ये मस्जिद बनी हुई है, और कितने लोग मतलब कितने लाख लोग एक साथ नमाजी पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो पूरी जानकारी देंगे तो नेक्स्ट पार्ट में। तो चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं शुरू में, बाय, अल्लाह हाफिज़।